आज से इसका नाम पता क्या? नूबड़ा। इसको देखो फोन चला चलाते कैसे सो गया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे हर सुबह की तरह। और सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, अच्छे अच्छे ब्लॉग आप देख सको। तो अभी सुबह के 8 बज चुके हैं, अपना वीडियो आ चुका है, जाके देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दबा के शेयर कीजिए। और फिलहाल अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंदर, पूरी रात से लाइट नहीं आई है, पूरी रात बारिश भी हो रही है, अभी तक भी बारिश हो रही है अंदर। पहली बार मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस। अभी चाय पी रहा हूँ, साथ में पकोड़े और जलेबी खा रहा हूँ सुबह सुबह। पूरी रात से लाइट नहीं है, मौसम खराब की वजह से रात गई थी लाइट 12-1 बजे, उसके बाद लाइट नहीं आई। मेरा फोन भी 20% है अभी और काफ़ी देर है, अभी अंदर बैठा हूँ मैं, बाहर भी निकला नहीं। मैं चाय पानी पीते हैं फिर बाहर निकलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ मौसम कैसा बाहर। तो कल भी काफ़ी इंजॉय किया और पूरा दिन घूमे, मस्ती की, खाया पिया और बहुत इंजॉय किया। देखना ब्लॉग बहुत बढ़िया आज वाला। चलो मिलता हूँ आपको मैं थोड़ी देर के अंदर। हे गाइस, लिटरली बाहर देखो मौसम इतना ठंडा हो रखा है ना, इतना ठंडा हो रखा है, इतना बादल, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हाँ तो बिल्कुल काफ़ी ठंडा है, पूरी रात से बारिश हो रही है। आपको मैं दिखाता हूँ बाहर कैसे पानी खड़ा हुआ है, ये देखो मौसम कैसे हो रखा है। कैसे हवा चल रही ठंडी ठंडी, हल्की हल्की बूंदें तब भी पड़ रही हैं, लेकिन काफ़ी मौसम ख़राब है, बारिश दोबारा भी आएगी, हिसाब से मौसम ख़राब है ना, लेकिन मौसम और रखा है एक नंबर, मौसम और रखा, लेकिन हवा चल रही ठंडी ठंडी। ये देखो अभी ममता यहाँ बैठी हुई है, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अच्छे बारिश आ रही है, पूरी रात की बारिश, लाइट भी नहीं आई ना, मेरे तो फोन भी 15% रह गया। तेरा 15, मेरा 5। वो तो स्विच ऑफ भी पड़ा है, मैंने उसे बोला खुले ही नहीं वो तो। अभी सिस्टर यहाँ बैठी है, पानी गर्म कर रही है, चाय हमने पी ली सबने, और चीनी अभी तक सो रही है। अभी उठ जा, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई, अंदर धुआं इतना ना पूछो मत, आँखों में ऐसे जलन से हो रही है क्योंकि गेट बंद है ना। तो देखो मैं सॉस ले गया था, पकौड़े पकौड़े खा लिए सभी ने, सॉस किसी ने नहीं खाई। ये देखो सुबह सुबह, अभी तू क्या देख रहा है, ये किसका डॉगी है? हेलो, ये देखो ये मेहमान कहाँ से आया भाई, लगता है गलती से चढ़ गया ऊपर, उतर नहीं पा रहा अभी। हाँ भाई, क्या चाहिए? कब मौसम का हाल हाल बताने के लिए आया, मौसम का हाल बताने के लिए आया, ये ना नीचे उतरने के लिए कर रहा है लेकिन उतर नहीं पा रहा है। ओ आया, गिर जाएगी यहाँ से। हाँ अभी बहुत सुबह से मिलने आई थी और चली गई, पल्ली और हाँ वो यहाँ लगाई थी तूने, यहाँ से उतर गई थी, हवा चली थी इतनी तेज, लेकिन मैंने उठा के अंदर रख दी पल्ली को। अच्छा वहाँ पड़ी होती तो वो ऐसे फट्टे फुट्टे ऐसे ऊपर पड़े होते क्या उसके? दरअसल सीन क्या, सीन क्या हुआ, रात रात इसने ना यहाँ इसको ढका हुआ था पल्ली से, लेकिन इतनी तेज हवा आई और सारी की सारी ना पल्ली उतर गई, तो मैंने यहाँ से उठा के अंदर रख दी, इसको लगा कहीं वो पल्ली हमारी है, उठ कर वहाँ चली गई, लेकिन वो हमारी नहीं थी। इधर मम्मी और अभी बिस्तर के अंदर, ये हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाहर तो काफ़ी बारिश हो रही है, इतनी ठंडा तेज हवा चल रही है और ये देखो पूरा पूरा अंधेरा हो रखा है, इधर पापा बैठे हुए हैं अभी तक बिस्तर के अंदर, और मैं मोबाइल की फ्लैश भी ऑन नहीं कर पा रहा क्योंकि बैटरी मेरी 14-15% रह गई है, 14-15% जब बैटरी रह जाती है तो फ़ोन मेरा ना फ्लैश लाइट ऑन नहीं करता, क्योंकि लॉक के अंदर बैटरी ऑन नहीं, फ्लैश लाइट ऑन नहीं करता, तो इसलिए अंधेरे के अंदर पता नहीं कैसी वीडियो आ रही होगी।
ये अपनी वो पल्ली, ये देखो क्या लेके है। ये लेके बटरफ्लाई तितली। इसके पंख देख, एक इसके पंख गिर गया। गिर गया ये, ठीक है। एयर इंडिया एयरग्राफ्ट, एयर इंडिया का एयरग्राफ्ट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हे गाइस, तो अभी शाम के 6:30 हो चुके हैं, 6:28 और 1 घंटा पहले लेट आई है। पूरा दिन लेट नहीं आई क्योंकि रात मौसम ख़राब की वजह से बिजली की दिक्कत आ गई, इसलिए पूरा दिन लेट नहीं, रात ही लेट नहीं थी, पूरा दिन लेट नहीं थी, शाम को लेट आई। मेरा फ़ोन भी रात से ही डाउन था, सुबह भी वीडियो अपलोड किए मैंने, उसके बाद थोड़ा बहुत शूट किया था मैंने, और सुबह से लेके लाइट नहीं थी, तो फिर मैंने अभी फ़ोन चार्ज किया और शूट कर रहा हूँ, तो पूरा दिन से लेट नहीं है। और सुबह से मैंने देखो दो कोट पहन रखे हैं, हुडी और कोट, रात में कैप भी लगा रखी है। तो बाहर काफ़ी ठंड थी, हवा चल रही थी ठंडी, और बारिश का मौसम है, 2-3 दिन बारिश बताई हुई है, तो आज पूरा दिन से बारिश आ रही है। लेकिन बारिश चीनी क्यों ऐसे क्या कर रही है, जो तेरा खाना है तेरे सामने तो पड़ा है। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ आपको देने के लिए हाथ खाली है मेरे, ये ना मेरी तरफ से भाग रही जींस में कुछ लेके आया हूँ उसके लिए। आप देख सकते हो मौसम अभी भी काफ़ी थोड़ा ख़राब हो रखा है, बारिश 2 दिन बारिश बताई हुई है, ये देख सकते हो आप, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इधर मम्मी और लगे हुए खाना बनाने में, रोटियां बना रही है, आज अंदर ही कर लिया ना। क्या सब्जी क्या बनाई है? साग। अच्छा, तो आज मम्मी बना रही काफी दिनों से रोटी, तो आज मम्मी रोटी बना रही है, देखो मम्मी बोलो। आज मम्मी बना रही रोटी, कैसा लग रहा है आपको? आज रोटी बना के कितने दिन? अच्छा, मूली के परांठे नहीं बनाए? सुबह बनाएंगे मूली के परांठे, धो के रखी है मैंने बाहर। अच्छा, ये देखो एकदम वाइट वाइट रोटी मम्मी के हाथ की। मुझे ना छोटी छोटी रोटी पसंद है, छोटी और पतली और वाइट फूली रोटी, समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये देखो मूलियां धो के यहाँ रखी हुई है, देखो टंकी यहाँ रखी हुई है। टंकी के अंदर ये किसने रखी है? ये मैं कल पकौड़े लेके आया था ना, पकौड़े खा लिए, लेकिन ये चटनी अभी तक नहीं खाई किसी ने, बढ़िया लेकिन वैसे दिखने में काफ़ी टेस्टी है। और भाई डॉग दिखाता हूँ, जो सुबह यहाँ छत के ऊपर चढ़ा हुआ था, वो आज अपने घर पे भी आ गया। हेलो हेलो, अबे भाग क्यों रहा है? अबे मुझसे डर रहा है, मैं इंसान हूँ। आया आया वो तो चला गया भाई। ये देखो भाई साग, क्या बात है। ये देखो तू भी कहाँ से आया, कहाँ गया था? दूध लेके आया। अच्छा, इसकी टांगे कितनी पतली है ना। कमजोर इंसान है ये, कमजोर है, कमजोर इंसान। नुबड़े ये चीनी ज्यादा, नुबड़े इसको पूछो चीनी इतनी क्यों खाता है। चीनी खाता है, चीनी मत खाएगा, बहुत कमजोर हो चुका है तुम, चीनी खा के चीनी जैसे पतला हो गया। ए नुबड़े इंसान, कमजोर इंसान, नुबड़े आज है ट्रेनिंग मोड पर, गजब बेइज्जती है। जब भी इसको नुबड़ा बोलते ना, इसको चिढ़ आती है। नुबड़ा 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 नहीं है, अपने आप को पता है क्या समझता है, फ्री फायर का वन मैन समझता है। ए नुबड़े तो फिलहाल अभी मैं खाना खा रहा हूँ, और खाने पे साग बनाया था, ये मेरी रोटियां, और सभी ने खाना खा लिया है, मम्मी ने भी खा लिया, सिस्टर ने भी खा लिया, ये तो पापा ने खाना खा लिया, लेकिन अभी अमरूद खा रहे हैं, अमरूद लेके आए थे, तो फिलहाल मैंने खाना खा लिया और अभी मैं अमरूद खा रहा हूँ, अमरूद काफ़ी मीठे हैं। पापा लेके आए थे डांडी से, हमारे यहाँ खेत में पापा जहाँ काम करते ना, तो उनके बाग है अमरूद, मतलब तो वहीं से लेके आए थे। और इधर देखो मम्मी और सिस्टर मेरा कल वाला ब्लॉग देख रहे हैं, जो मेले में गए थे ना राजपुरा, तो वो कल वाला ब्लॉग देख रहे हैं। ये देखो तो ये तो अपना ब्लॉग देख रहे हैं, देख रहे हैं।
लेकिन 8 बज गए अभी तक मंदीप आया नहीं है, वो बस थोड़ी देर में आ जाएगा। आया वो आधा दिन गया शॉप पे गया, फिलहाल उसका एग्जाम था आज बठिंडा, आधा दिन गया एग्जाम देने के लिए, 1:30 बजे के बाद आने के बाद वो शॉप पे चला गया और अभी तक नहीं, 8 बज गए, लेकिन जैसे 8 बजे आ जाता वो तो बाहर काफ़ी ठंड है। मौसम देखो पूरे पूरे बादल हो गए, रात में बारिश आ सकती है। गांव मतलब कि मैं शॉप से घर आता हूँ, मुझे रास्ते में कोई अगर मिलता है ना तो मुझे वो एक ही बात बोलता है कि आप यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह क्या डालते हो, तो शायद उनको नहीं पता, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं दरअसल मैं फैमिली ब्लॉग वगैरह बनाता हूँ, आपको नहीं पता लेकिन धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज़ बनाता हूँ, वीडियोज़ वगैरह क्यों मैं डालता हूँ। तो जो जो भाई मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। तो मुझे काफ़ी मिल ही जाते हैं, एक दो हर रोज़ मिलते हैं कि यार क्या कर रहा है यूट्यूब पे, वीडियो वगैरह क्या डालता है। तो इसको और मंदीप आ चुका, अभी 7:15 हो गए। मूलियाँ को मैंने साफ करके रख दिया, सुबह इसका बनाना है मोटा मोटा वो क्या परांठे। परांठे नाम तो आ नहीं रहा, मूलियाँ को साफ कर दिया सुबह उसने सुबह इसमें सोचने वाले क्या बात है। परांठे भाई परांठे, ये देखो ये भी आ चुका है अभी, बैटरी ये डबल डबल ड्यूटी दे रहा है, पहले कॉलेज जा रहा है फिर एग्जाम देके फिर किना बैटरी। हे गाइस, तो अभी रात के 11:30 हो चुके हैं और ऑलमोस्ट मेरी वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है और सभी सभी सो चुके हैं। इसको देखो फोन चलाते चलाते कैसे सो गया, कान में ईयरफोन लगे हुए, तो भाई साहब को नींद आ रखी। और फिलहाल उसके बाद मैं रजाई के अंदर आ गया था और अभी फिलहाल मुझे काफ़ी नींद आ रही है, सभी सो चुके हैं और जल्दी से वीडियो अपलोडिंग भी लगा देता हूँ फिर मैं भी सोता हूँ। फिलहाल हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर जो भी नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तो वीडियो को शेयर कर दिया करो और क्योंकि बस आप लोगों को प्यार और सपोर्ट चाहिए मुझे आगे तक जाने के लिए, और बस इससे बनाए रखना। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।